डियर स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज लैंग्वेज एंड ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हम गुफ्तु कर रहे हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हम डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म नहीं करेंगे वो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी वजह से हो जब तक डिस्क्रिमिनेशन मिनिमम नहीं होगी खत्म की बात मैं इसलिए नहीं करता कि हम किसी भी चीज़ को कंप्लीटली फिनिश नहीं कर सकते कोशिश कर सकते हैं कोशिश करने के बाद हम उसको मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं अब मैं अफ्रीकन कंट्री की थोड़ी सी एग्जाम्पल देना चाहूँगा यहाँ पे और विद रिस्पेक्ट टू द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स मिलेम डेवलपमेंट गोल्स की रोशनी में हमने जितनी भी डिस्क्रिमिनेशनज हैं हमने उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश की गई है हमारे गोल्स बनाए गए हैं और उसके अंदर जन जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो अब अगर हम इसी एस को और मिलेम डेवलपमेंट गोल्स एम डी और एस की बात करते हैं तो यहाँ पर अफ्रीका के अंदर तीन चीज़ों के ऊपर जेंडर, रेस और एथनिसिटी इसके अंदर जो है ना हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नज़र आती है अब देखिए हम सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की बात कर रहे हैं अब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कब होगी जब डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होगी वो कब खत्म होगी जब अफ्रीका के अंदर जेंडर इनइक्वलिटी खत्म होगी पहले नंबर पे फिर रेस की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगी एथरेसिटी की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगी जैसे हम अभी बात कर चुके हैं और इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ऐसी तमाम चीजें जो बाय डिफॉल्ट हैं हम उसके ऊपर क्यों डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हमें ये बात समझाने की ज़रूरत है कि देखें हम अफ्रीका के लोगों को क्योंकि हम इस वक्त अफ्रीका की एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं और अफ्रीका को डिस्कस कर रहे हैं अफ्रीका के लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि जो हमारा क्रिएटर है आप उसे गॉड कह दें या अल्लाह दें क्रिएटर तो एक ही है ना और मज़हब का जब मजहब की बात करते हैं तो मज़हब में क्रिएटर एक ही आता है चाहे उसको गॉड कह दें आप थ्रू बाइबल जा रहे हैं थ्रू जूस जा रहे हैं या आप उसको अल्लाह सब कह दें थ्रू कुरान जा रहे हैं मुसलमान होने की हैसियत से इन सब सूरतों में हमारा क्रिएटर एक है और हमारी जेंडर भी बाई डिफ़ॉल्ट है रेस भी बाई डिफ़ॉल्ट है एथनिसटी भी बाई डिफ़ॉल्ट है देखें डेयर स्टूडेंट अल्लाह सुबहाना ने आपको पैदा करने से पहले आपसे बिल्कुल मुशावरत नहीं की ना आपसे पूछा कि आपकी जेंडर क्या होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किस बात पे कर रहे हैं इसमें आपका क्या रोल है ना ये पूछा कि किस रेस में आपको भेजना है इसके ऊपर भी कोई गुफ्तु नहीं की और ना एथने के ऊपर बात की अब बुनियादी तौर पर अगर हम अफ्रीका के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस से लेना चाहते हैं तो हमारे पास ये जो डिस्क्रिमिनेशन की बेसिस हैं इन बेसिस के ऊपर उनको ये क्लियर कराने की ज़रूरत है और ये बावर कराने की ज़रूरत है कि इस तमाम रोल में आपका कोई किरदार नहीं है क्रिएटर का जो रोल है उसमें आपकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है और अगर ये बात समझ आ जाती है तो फिर इसका मतलब है कि हमारी डिस्क्रिमिनेशन मिनिमम हो जाएगी जब हमारी डिस्क्रिमिनेशन मिनिमम हो जाएगी तो आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ जाएगी अब ये होगा कैसे अगला सवाल ये है कि अगर हम अफ्रीका में करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें उससे रिलेटेड पॉलिसी बनानी पड़ेंगी मुल्की लेवल पर फिर उससे रिलेटेड हमें प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे फिर हमें प्रायोरिटीज तयन करनी पड़ेगी उसके बाद लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी ऐसे प्रोग्राम एट द सेम टाइम ऐसे प्रोग्राम हमें पब्लिक लेवल पर करने पड़ेंगे जिसमें उनको अवेयरनेस हो अब देखें अगर हम किसी भी मुल्क के अंदर यहाँ पे हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं किसी भी मुल्क के अंदर अगर पॉलिसी वजा कर दी गई है और उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या रेस डिस्क्रिमिनेशन या एनी टाइप ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको जुर्म करार दे दिया गया है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे किसी भी बेस पे चाहे वो जेंडर है या रेस है या एथनसिटी की बेस पे है तो उसकी आपको सज़ा है फिर आपने अवेयरनेस दे दी फिर बच्चों को उसका बेनिफिट बना दिया और फिर उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी और उसकी आउटकम जो है वो उनको बता दी कि जनाब आप अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो उसका डिसएडवांटेज ये है अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे सेंस ऑफ बिलोंगनेस होगी उसके फ़वाद ये हैं और जब आप एट द सेम टाइम उसमें अवेयरनेस दे, दे देंगे प्रोग्राम के दे जरिए तो उससे आप बेहतर रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं